आई एम डॉक्टर सतीश कोल और मैं नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में डायरेक्टर के पद पे काम करता हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज क्या है? प्री डायबिटीज के बारे में लोगों को काफ़ी भ्रम रहता है। आई विल बी टुडे डिस्कसिंग अबाउट प्री डायबिटीज एंड हाउ इट शुड बी मैनेज्ड। एनीबडी हु हैज गॉट ब्लड शुगर लेवल ऑफ मोर देन 101 एंड लेस देन 125 इन फास्टिंग, यानी कि खाली पेट रात का खाना खाने के बाद 8 से 14 घंटे के अंतराल के बाद जो वेन में से ब्लड चेक किया जाए, अगर उसकी वैल्यू 101 और 125 के बीच में है, उसको हम प्री डायबिटीज कहते हैं। इसी तरह से इफ़ यू टेक द वैल्यू ऑफ पोस्ट मील, यानी कि खाना खाने के 2 घंटा बाद, उस वैल्यू को अगर देखें तो जो भी वैल्यू 141 के ऊपर और 199 यानी कि 199 के बीच में है, हम उसको भी प्री डायबिटीज के उसमें रखते हैं। इसी तरह से एज फार एज HbA1c इज कंसर्न, HbA1c वैल्यू ऑफ मोर देन 5.7 एंड लेस देन 6.5 इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी प्री डायबिटीज। ऐसे पेशेंट को बिल्कुल अपना ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इफ यू आर नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस सिचुएशन, अल्टीमेटली इन द नेक्स्ट 1 year देर आर चांसेज ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज इन 40% ऑफ सच पीपल। इफ यू आर ओबीज, यानी कि आपका वजन ज़्यादा है, आप ज़्यादातर घर में ही रहते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए अगर आपकी प्री डायबिटीज़ की रेंज में शुगर आती हैं। इससे 2 चीज़ों का फ़ायदा होता है, एक आपकी सेहत और अच्छी होती है, दूसरा आप डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस डेफिनेशन को जानने के बाद जिन लोगों का भी शुगर इन रेंज में आता है, वो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलेंगे और इस पर एक्शन लेंगे। प्री डायबिटीज़ घर पे बैठने वाली तकलीफ नहीं है, इस पर हमें एक्शन ज़रूर लेना चाहिए और इसको एक्शन लेने के साथ हम अपने आप को डायबिटीज़ से ज़रूर बचा पाएंगे। धन्यवाद।